बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम कल तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो 4 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। बैक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5th है, 6th है, 7th एंड 8th, चारों क्वेश्चनों में आपको या तो सिंबल इक्वेशन दे रखी है या वर्ड इक्वेशन दे रखी है जिसको आपको बैलेंस करना है, और ये सारी चीजें हम असाइनमेंट्स में कर चुके हैं, तो ये इक्वेशन दोबारा नहीं कराई जाएंगी। ऑलमोस्ट जो असाइनमेंट्स में कवर हो चुकी है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, कोई भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या सीखेगा, और एग्जांपल आपको देनी है। तो हम पहले टाइप्स में पढ़ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक वो होती है जिनमें हीट बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट की जरूरत होती है। तो देख लीजिए बोर्ड पे, एक्सोथर्मिक दीज रिएक्शंस प्रोसीड विद रिलीज ऑफ हीट या एनर्जी जिसमें बाहर निकलती हो, ये वो रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल में आप मीथेन को बर्न कर रहे हो एयर में, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी मिलेगी। आप यहाँ लिख सकते हो साथ में क्या निकलती है, हीट। एग्जाम्पल इसका रेस्पिरेशन भी है, हमने डिस्कस किया है, बाद में क्वेश्चन आगे आएगा भी बैक एक्सरसाइज में आपके पास। फिर है एंडोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मर्करिक ऑक्साइड की रिएक्शन आपने कराई, उसको गर्म कर दिया, हीट दे दी, तो मर्करी अलग हो गई और ऑक्सीजन क्या हो गई, वहां पर अलग हो गई। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप ध्यान से जरे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, कि रेस्पिरेशन को ही क्यों कंसिडर किया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक क्यों नहीं बोलते, इसको एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हो। देखो, जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डिकम्पोज करके ग्लूकोज उसमें से निकाल लेता है, वो ग्लूकोज फिर हमारे अंदर आई हुई ऑक्सीजन के साथ मिक्स करता है और फर्दर टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस की फॉर्म में निकलेगी, वाटर में जो लिक्विड फॉर्म में है, और साथ में निकलता है बहुत सारी एनर्जी जो हमें अपनी डेली प्रोसेस, डेली काम करने की एनर्जी जो हमें मिलती है खाना खा के। तो एनर्जी जो है वो रिएक्शन के बाद बन रही है। तो राइट हैंड साइड पे जब एनर्जी आ जाती है, तो आपको बताया गया है कि एनर्जी अगर राइट हैंड साइड पे है तो वो एक्सोथर्मिक, और लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या है, वो एंडोथर्मिक। तो इसलिए रेस्पिरेशन को हमने क्या नाम दिया है, एक्सोथर्मिक। अब देख लीजिए क्या लिखा गया है, द फूड टेकन बाय अस इज ब्रोकन डाउन, फूड टेकन बाय अस इज ब्रोकन डाउन किसमें, ग्लूकोज में, इसके द्वारा डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ये ग्लूकोज फर्दर डिकम्पोज हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, किसके साथ, एनर्जी रिलीज करने के साथ, और हेंस एनर्जी रिलीज हो रही है तो रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अब रिएक्शन देख लीजिए, ये ग्लूकोज है जो एक्वस फॉर्म में होगा क्योंकि पानी के अंदर मिल गया है, और ऑक्सीजन जो गैस है जब उसके साथ कंबाइन करता है तो फिर आपको क्या देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। 11th क्वेश्चन आपके पास कि व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन को कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों बोलते हैं। आपको दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी लिख के दिखाना है। तो देखो, आपको पता है डीकंपोजिशन में तोड़ते हैं हम, और कॉम्बिनेशन में हम जोड़ते हैं। तो आपने अगर इंडिविजुअली डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन याद की है और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन याद की है, तो आप उन दोनों डेफिनेशंस को भी लिख सकते हो। मैंने थोड़ा सा दोनों चीज़ों को मिला के लिखा है, आप देख लीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है क्या पैदा करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट पैदा करने के लिए, जबकि वेयर एज कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बना लेते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। एक एग्जांपल आपको कॉम्बिनेशन का मिला और एक एग्जांपल दे दिया आपको किसका, डीकंपोजिशन का। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 12 आपका, मैं क्वेश्चन साथ साथ रीड कर देता हूँ वाइल रबिंग द बोर्ड। देख लीजिए, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक्स में देख लीजिए, और जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी है तो वो जैसे ही अवेलेबल होती है मार्केट में आप बुक खरीद लीजिए। अदरवाइज आपको क्वेश्चन जो है वो साथ में अच्छे से बताए जा रहे हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, तो आप उसको सुन के इसको कॉपी में नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास कि आपको डीकम्पोजिशन के 3 टाइप्स पढ़ाए गए हैं, एक था थर्मल, एक था इलेक्ट्रोलिसिस और एक था फोटोलिसिस। आपको तीनों के एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं, यानी कि डीकम्पोजिशन लाइट की वजह से हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है, और
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, तीनों के एक एक एग्जांपल तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 12 और इसमें एक एग्जांपल लिखना है आपको हीट का, एक एग्जांपल लिखना है आपको लाइट का और एक एग्जांपल लिखना है आपको इलेक्ट्रिसिटी का। तो कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ये अच्छे से आप तीनों इसको कर चुके हो। फिर भी मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। हीट के केस में आपने कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में लिया, हीट को आप ट्रायंगल के सिंबल से भी शो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एरो के ऊपर आपको हीट ही लिखना पड़े। तो ये कन्वर्ट होगा CaO क्विक लाइम सॉलिड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ये डिकम्पोजिशन है। लाइट का डिकम्पोजिशन में आप क्या करते हो, सिल्वर क्लोराइड AgCl सॉलिड फॉर्म में है ये भी, इसका ब्रेकडाउन होगा किसमें, 2Ag सिल्वर में सॉलिड फॉर्म में निकली और क्लोरीन जो यहाँ पर गैस के फॉर्म में अलग हो जाएगी। तीसरा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस, पहले भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, वोटर के केस में ऐसा हो रहा है, आपने वोटर लिया लिक्विड फॉर्म में और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आपने पास कर दिया तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तीनों एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, आपको इनकी इक्वेशंस भी लिखनी है। जैसा आपने अभी क्वेश्चन किया था कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में क्या डिफरेंस है, ऐसे ही आप चाहो तो दोनों की डेफिनेशंस लिख के और एक एक एग्जांपल लिख सकते हो। मैं फिर भी बोर्ड पे लिख रहा हूं तो आप लोग देख लीजिए कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो लिखिए इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट साल्ट, उसके साल्ट में से, जबकि वेयर एज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये चीज दोनों तरफ से होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो आयंस आपस में हम लिख सकते हैं, टू एटम्स और टू एटम्स और ग्रुप, या फिर उनका जो ग्रुप है वो क्या करता है, ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो दोनों के एग्जांपल लिखने हैं, पहले मैं लिख देता हूं सिंगल वाले का। सिंगल का है कि व्हेन ZN इन सॉलिड फॉर्म रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, तो ZN ने क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया और जो प्रोडक्ट साइड में आया वो आया जिंक सल्फेट और साथ में निकल गया कॉपर। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई, हाईली रिएक्टिव ने लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस किया है, तो आपके पास आ गया सिंगल का एग्जांपल। डबल के एग्जांपल में आपने पहले भी किया है एग्जांपल कि बैरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में पोटाशियम सल्फेट, ये भी एक्वस फॉर्म में दोनों डिस्प्लेस करेंगे तो एक बैरियम सल्फेट बनेगा जो प्रेसिपिटेट होगा सोलिड आयनिक की और साथ में निकलेगा KCl एक्वस फॉर्म में। तो ये आपके पास दोनों के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 14 में आपने आपको कहा गया है कि सिल्वर की रिफाइनिंग के दौरान सिल्वर को रिकवर किया जाता है, निकाला जाता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से जब उसको रिएक्ट कराया जाता है कॉपर मेटल के साथ। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को कॉपर के साथ रिएक्ट कराया है क्योंकि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सिल्वर को वहां से डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और साथ में सिल्वर आपको अलग से मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं सिल्वर की रिफाइनिंग करना, सिल्वर को रिकवर करना, अलग निकाल लेना
आपको सिर्फ क्या करने को कहा गया है, आपको कहा गया है कि जो चीज आपको वर्ड इक्वेशन में और रिएक्शन की फॉर्म में बोली गई है, इसको आप सिर्फ किस में कन्वर्ट करके दिखा दो, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखा दो। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द रिएक्शन इज कि जब कॉपर सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है आपके पास, तो क्या देगा ये कॉपर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन और साथ में आपको मिलेगा सिल्वर सॉलिड फॉर्म में, ये आपके पास रिएक्शन बनेगी। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कॉपर के साथ, एज कॉपर इज मच रिएक्टिव देन आयरन देन सिल्वर देन कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर और बन जाएगा कॉपर यहाँ पर क्या नाइट्रेट और साथ में एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और साथ में आपके पास क्या आ जाएगी सिल्वर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं और उसका एक एग्जांपल दीजिए। वैसे आपको ये चीज अभी तक पता हो जानी चाहिए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही जब आपको फ्लो चार्ट कराया था तब टाइप्स आपको कराए थे तो सबके नेम्स बताए थे कि इसको दूसरे नाम में क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है। तो वहां पर आपने किया था कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उनको ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसका एग्जांपल आपको देना है तो लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होगी जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, पैदा होगा। तो लिखो द रिएक्शन विच गिव्स एन इनसोल्यूबल सॉलिड, कोई इनसोल्यूबल सॉलिड मास जिसमें पैदा हो और क्या कहेंगे इसको, इसको बोलते हम प्रेसिपिटेट। देन रिएक्शन क्या कहलाएगी, देन रिएक्शन इज नोन एज देन रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल आपने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था एक बैरियम सल्फेट का, एक एग्जाम्पल में फिर आपको लिख देता हूँ कि जब बैरियम क्लोराइड एक्वा सोल्यूशन में रिएक्ट करती है सोडियम सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन के साथ तो आपको मिलता है बैरियम सल्फेट जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है और साथ में आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड एक्वा सोल्यूशन, ब्राइन भी बोलते हैं इसको जब इसको एक्वस फॉर्म में लिया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, दो टर्म्स आपको दी गई हैं, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन, आपको इनको एक्सप्लेन करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको इनको एक्सप्लेन करना है गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में, यानी कि आपने जो डेफिनेशन टाइप्स में की थी उसमें मैंने ऑक्सीडेशन में लिखवाया था कि ऑक्सीडेशन वो होता है जो या तो ऑक्सीजन का गेन कर लेता है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, लेकिन यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का जिक्र नहीं करना क्योंकि स्पेशली मेंशन है कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन की फॉर्म में इनको एक्सप्लेन करना है और हर के दो एग्जांपल आपको देने हैं, हर टाइप के दो एग्जांपल। तो देख लीजिए पहले हम ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं, डेफिनेशन और इजी हो जाती है जब एक की बात करें, क्या रहेगी डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच, ये वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस क्या कर लेता है ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन। अब रिमूवल की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऑक्सीजन की फॉर्म में ही आंसर देने हैं और इसके दो एग्जांपल उन्होंने बोले हैं। तो पहला एग्जांपल आ गया आपके पास सोडियम ऑक्साइड बनाने का, ये है आपके पास प्लस O2 इक्वल्स टू 2Na2O और दूसरा आ गया आपके पास H2 प्लस O2 और क्या बन गया ये 2H2, दोनों में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो ये आपके पास दोनों एग्जांपल्स आ गए हैं। फिर आपको डेफिनेशन किसकी देनी है, रिडक्शन की डेफिनेशन आपको देनी है
तो इट इज अ प्रोसेस, इसमें क्या होगा, इसमें सब्सटेंस लूज करेगा किसको, ऑक्सीजन को। तो ये वो है जिसमें ऑक्सीजन लॉस हो जाती है। दो रिएक्शन आपको इसकी भी देनी है। तो पहला तो एग्जांपल है ये कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, वैसे तो ये रिडॉक्स का एग्जांपल है लेकिन हम इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। कॉपर में से ऑक्सीजन निकल जाती है। दूसरे एग्जांपल की बात करो तो आपने पोटेशियम क्रोमेट का एग्जांपल लिया है, KClO3 सॉलिड फॉर्म में जब इसको गर्म करते हैं हम तो इसमें से KCl अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो ये दो एग्जांपल थे इनके। क्वेश्चन नंबर 16 था। 17th क्वेश्चन नंबर हम पढ़ लेते हैं। 17th क्वेश्चन नंबर बोला गया है एनसीईआरटी में कि कोई शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, हमें नहीं पता वो कौन सा है लेकिन ब्राउन कलर में है, उसको एक्स नाम दिया गया है, और जब उसको हीट करते हैं हम एयर में तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने पर उसका कलर जो है वो ब्राउन से ब्लैक हो जाता है। अब आपको ये बताना है कि वो सब्सटेंस कौन सा है और वो जो ब्लैक कलर का बन के आया है वो सब्सटेंस कौन सा है। तो देखो ब्राउन कलर जो होता है वो सब्सटेंस कॉपर होता है हमारे पास ब्राउन कलर का। तो आप यहां पे लिखोगे द सब्सटेंस इज कॉपर, कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या आपके पास कॉपर है, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड है वो क्या है, एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। अब कॉपर को अगर आपने ऑक्सीजन में ऐड किया है, एयर में बर्न किया है, तो कॉपर क्या बनेगा फिर, वो तो कॉपर ऑक्साइड ही बनेगा। तो ब्लैक कलर क्या होगा, वो होगा आपके पास कॉपर ऑक्साइड। तो अगर रिएक्शन भी लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं कि जब सॉलिड में कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ तो वो बना देता है कॉपर ऑक्साइड, जो सॉलिड फॉर्म में ही होता है लेकिन कलर क्या होता है इसका, ब्लैक, और ये क्या है कलर में, ब्राउन। ये चीजें आपको याद रख लेनी है, जो चीज आपको नहीं सुनने में आए कि जैसे कॉपर का कलर क्या है ब्राउन ना, तो आपने उसी टाइम उसको माइंड में फिक्स कर लेना है, क्योंकि फर्दर ये चीजें बाद में एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी, कहीं पे भी आपको आ जाए तो आपके माइंड में रहना चाहिए ये चीज। जो बात अब आप कर रहे हो 10th में वो बहुत डिटेल में आपके पास 11th और प्लस 2 में केमिस्ट्री में आने वाली है, तो आपका बेस तैयार हो रहा है 10th क्लास में केमिस्ट्री का। तो अब आप चीजों को अच्छे से माइंड में फिक्स कर लोगे तो आपको फायदा मिलेगा आगे आने वाली सीनियर क्लासेस में। और अगर भी आप अभी भी वो आपकी वही छोटी क्लास वाली हैबिट रहेगी क्रैम करने की, चीजों को ना समझने की, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 18, हम आयरन आर्टिकल्स को पेंट क्यों करते हैं। इसका मेरे ख्याल से हर बच्चे को आंसर पता होगा कि लोहे की चीजों को पेंट इसलिए किया जाता है, कलर इसलिए किया जाता है ताकि उस पर क्या ना लगे, जंग ना लगे। फिर भी इसको लिखना कैसे है तो लिख लीजिए, बता देते हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 18 है तो हमें मतलब बचाने के लिए, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए वी अप्लाई पेंट, हम क्या करते हैं पेंट को अप्लाई करते हैं उसके सरफेस पे, वी अप्लाई पेंट ऑन इट्स सरफेस या ऑन आयरन आर्टिकल, ऑन आयरन आर्टिकल। तो पेंट करने से अब वो रस्टिंग में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पेंट जो है एज पेंट उसकी रक्षा करेगा फिर दोबारा पानी और हवा से रिएक्ट होने में, एज पेंट डू नॉट अलो ऑक्सीजन एंड वॉटर टू कम इन कॉन्टेक्ट किसके साथ, विद आयरन। दोबारा वो वाटर और ऑक्सीजन को आयरन के कॉन्टेक्ट में आने से बचा लेगा, इसीलिए हम क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है आयरन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑयल और फैट से कंटेनिंग फूड आइटम्स को फ्लश किया जाता है
नाइट्रोजन गैस के साथ ऐसा क्यों? जो पैकेट्स तैयार किए जाते हैं आपके ऑयल और फैट से बनी चीजों के, जैसे बिस्किट एक्सेट्रा है या फिर लेज है, आपकी नमकीन वगैरह है, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, एयर नहीं भरी जाती, उस नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है? रेंसिडिटी से बचाने के लिए, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अगर आप उनको ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लाओगे तो स्लो ऑक्सीडेशन होगा, जिससे उनका टेस्ट भी खराब हो जाएगा और स्मेल भी आने लग जाएगी, फॉल स्मेल, खराब स्मेल, सड़े हुए की स्मेल, तो इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिल करते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो आंसर में लिखिए बिकॉज नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होने देगी, ना होगी, बिकॉज नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव गैस, नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, विच प्रिवेंट ऑयल एंड फैट फूड आइटम्स, फूड आइटम्स फ्रॉम किससे, रेंसिडिटी से, उनको किससे बचाते हैं, वो रेंसिडिटी से बचा लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। दो टर्म्स आपको दे रखी हैं, दोनों का एक एक एग्जांपल आपको देके एक्सप्लेन करना है। पहली टर्म है कोरोजन, आपको पता ही है क्या है, और दूसरी है रेंसिडिटी, ये भी आपको पता है, दोनों का एक एक एग्जांपल देना है। फिर भी बोर्ड पे जितनी डेफिनेशन की जरूरत है मैं लिख देता हूँ, कोरोजन की डेफिनेशन क्या होगी, तो लिखिए द फिनोमिना, वो फिनोमिना जिसकी वजह से मेटल्स जो हैं, द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन का मीनिंग है कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, किससे, स्लोली ईटन अवे, अवे वर्ड यहां पर यूज कर सकते हो, स्लोली ईटन अवे बाय रिएक्शन ऑफ एयर वॉटर एंड कुछ केमिकल्स की वजह से, जैसे सिल्वर पे सल्फर की वजह से लगता है, इसलिए केमिकल वर्ड यूज किया है, एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर, प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कोरोजन। आयरन के केस में इसको रस्टिंग बोलते हैं, वैसे जो फिनोमिना है वो क्या आपके पास, कोरोजन है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आयरन लॉस इट्स शाइनी लेयर, आयरन की जो शाइनी लेयर है वो खत्म हो जाती है, किसके वजह से, ड्यू टू रस्टिंग, रस्टिंग की वजह से, ये एग्जाम्पल में लिख देना आपने। दूसरी प्रोसेस आपको जो बोली गई है वहां पे, वो है रेंसिडिटी, आपको एक्सप्लेन करनी है। रेंसिडिटी आपको पता ही है कि स्लो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो, धीरे धीरे से जो ऑयल और फैट से बनी चीजें हैं जब वो ऑक्सीजन को गेन कर लेती हैं, तो उनका टेस्ट और स्मेल दोनों खराब हो जाता है, प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। ये है दस, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड विच चेंज देयर टेस्ट एंड स्मेल। ये तो प्रोसेस हुई, और एग्जाम्पल में आपने लिख लेना है कि जो आपके चिप्स होते हैं, टैटो चिप्स जो पैकेट में आते हैं, क्या देते हैं, रेंसिडिटी के बाद फॉल स्मेल देते हैं, गिव्स फॉल स्मेल आफ्टर रेंसिडिटी। ये आपके पास कंप्लीट चैप्टर था, हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसकी सारी हमने बैक एक्सरसाइज ब्लू बुक्स की हैं, दो असाइनमेंट भी किए हैं, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।